गोंडा के रहने वाले एक जालसाज ने समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर बैठकर कई लोगों को रेवड़ी की तरह सरकारी नौकरियां बांट दी और उन्हें बाराबंकी व लखनऊ स्थित समाज कल्याण विभाग में नियुक्त किए जाने का पत्र थमाते हुए 30 लाख रुपए ठग लिए। हैरत की बात यह है कि जालसाज ने समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के हस्ताक्षर वाला पत्र भी जारी कर दिया। आवेदक जब नियुक्ति पत्र लेकर संबंधित विभाग के दफ्तर पहुंचे तो इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड का नाम है अवधेश मिश्रा उर्फ दीपू। ठगी का शिकार बने बाराबंकी के रहने वाले दिनेश द्विवेदी के मुताबिक वो लखनऊ में ट्रेवल एजेंसी चलाने का काम करता है। वाहन बुकिंग के दौरान दीपू मिश्रा से संपर्क हो गया। दीपू खुद को समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी बताता था। इस दौरान दीपू ने ठगी का शिकार हुए दिनेश से कहा कि समाज कल्याण विभाग में कुछ नौकरियां निकलने वाली हैं और वो सीधे नौकरी दिला सकता है। वाहन बुकिंग के दौरान कई बार साथ रहने पर वो दीपू के छांसे में आ गया और उसने अपने परिवार के 2 और 6 अन्य व्यक्तियों समेत 8 लोगों को नौकरी दिलाने के लिए 30 लाख रुपए दीपू को दे दिए। दिनेश का कहना है कि रुपए लेने के लिए दीपू ने उसे समाज कल्याण मंत्री के सरकारी आवास पर बुलाया और वहीं पर पैसे लिए। 8 लोगों का पैसा देना हुआ तो ये बोले कि जो है पैसा लेके रात को आ जाना और 8 बजे के बाद पैसा आपसे लेंगे। तो मैं मंत्री जी के आवास पर गया, सब लोग साथ में गए तो पैसा इन्होंने कहा कि तुम अकेले लेके आ जाओ अंदर गाड़ी में। तो इन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बाहर ही बिठा लिया और अंदर मंत्री जी के ले जाके फिर जो आवास है मंत्री जी का उसके अंदर बैठक बनी हुई उसी में पैसा इन्होंने गिना। और ये एक बीच में बात रहेगी, इन्होंने बताया कि जनार्दन तिवारी मेरे रिश्तेदार हैं, वो और हम दोनों लोग मिलकर काम कराएंगे, मंत्री जी से कई बात हो गई है। 7 जनवरी 2020 को दीपू ने सभी को नियुक्ति पत्र देकर बाराबंकी व लखनऊ स्थित समाज कल्याण विभाग में ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया। नौकरी का भरोसा दिलाने के लिए जालसाज दीपू ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी व समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री के नाम व हस्ताक्षर का भी उपयोग किया। जालसाज की तरफ से कैबिनेट मंत्री के हस्ताक्षर वाला पत्र 19 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। इस पत्र में समाज कल्याण विभाग में तृतीय श्रेणी में 22 पद और चतुर्थ श्रेणी के 16 पदों पर सीधी भर्ती किए जाने का उल्लेख है। पत्र में चयनित अभ्यर्थियों का नाम संबंधित जिलों को सूचनार्थ भेजे जाने की बात भी लिखी गई है। इसी तरह प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी के नाम से भी पत्र जारी किया गया है जिस पर उनका हस्ताक्षर भी बनाया गया है। नियुक्ति पत्र लेकर जब लोग विभागों में पहुंचे तो वहां के अफसरों ने इस तरह की किसी भी भर्ती किए जाने की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोगों को ठगी की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी भागकर दीपू के पास पहुंचे तो उसने लॉकडाउन होने का बहाना बनाकर सभी को टरका दिया और कहा लॉकडाउन के बाद वो सभी की नियुक्ति करा देगा। शिकायतकर्ता दिनेश का आरोप है कि जब उसने अपने रुपए की मांग की तो दीपू ने उसे सिर्फ 5 लाख रुपए वापस किए, बाकी रुपए देने से अब वो इनकार कर रहा है। पीड़ित दिनेश ने मई महीने में दीपू के इस ठगी की जानकारी समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री को लिखित रूप में दी लेकिन मंत्री के स्तर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहे कि मैं इनका प्यारो हूँ माननीय मंत्री जी का और स्वतंत्र देव सिंह की फोटो दिखाई और जन्मदिन के लिए बताया कि 3 तारीख को जन्मदिन मंत्री जी का, उसमें इन्होंने लड्डू खिलाते हुए मंत्री जी के फोटो और मंत्री जी के पैर छूते हुए फोटो दिखाई कि मंत्री जी का मैं बहुत करीबी हूँ और मंत्री जी का जितना काम है प्राइवेट है, उनका पेट्रोल पंप है और जो बिजनेस है सारा काम मैं ही संभालता हूँ और उनके लड़के कल्लू भैया उनके साथ रहता हूँ। ठगी का शिकार हुए दिनेश द्विवेदी गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर जब एसपी संतोष मिश्रा से मुलाकात नहीं हुई तो थानेपुर में अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत पत्र के साथ पूरे मामले की जानकारी दी। बहरहाल एसपी गोंडा शिवराज ने जांच के बाद कार्यवाही करने की बात कही है। वहीं ये पीड़ित अपने रुपए की वापसी के लिए बाराबंकी से गोंडा के चक्कर काट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।